हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जो आपके लिए जॉब अपडेट है वो है भेल की तरफ से। दोस्तों भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से सुपरवाइजर ट्रेनी की कुल 75 वैकेंसियों पे नोटिफिकेशन जारी किया है और इन सभी 75 वैकेंसियों की सारी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तरफ से सुपरवाइजर ट्रेनी की कुल 75 वैकेंसी यहां पे निकाली हैं। इन 75 वैकेंसियों को तीन अलग अलग कैटेगरियों में बांटा हुआ है, जिसमें सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल में कुल 30 वैकेंसी है, सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल में कुल 30 वैकेंसी है और सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर में कुल 15 वैकेंसी है। तो इस तरीके से इन सभी 75 वैकेंसियों को अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग बांटा है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कैंडिडेट से क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, तो सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल की पोस्ट पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल की पोस्ट पे कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में। और सुपरवाइजर ट्रेनी एचआर की पोस्ट पे कैंडिडेट से जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें कैंडिडेट ने बीबीए कर रखी हो, बैचलर डिग्री कर रखी हो सोशल वर्क में, बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर डिग्री कर रखी हो या फिर कैंडिडेट ने बीबीएस या बीएमएस कर रखी हो, तो ऐसे कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगे। आपकी जो तीनों कैटेगरी में जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उस क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने कम से कम 65% नंबर स्कोर किए हो तभी वो कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन के दौरान 65% नंबर स्कोर नहीं किए हुए, यानी कि कैंडिडेट के 65% से कम नंबर आए हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, तो ऐसे कैंडिडेट सुपरवाइजर ट्रेनी की पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सुपरवाइजर ट्रेनी की पोस्ट पे जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 27 साल है। एज लिमिट को चेक करने के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1/10/2023 रखी है, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज लिमिट इन सभी वैकेंसियों पे चेक की जाएगी। अब इसमें बात करते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो सिलेक्शन यहाँ पे जो होगा वो दो स्टेजेस के बेसिस पे होगा। पहली स्टेज पे कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। आपका जो ये टेस्ट है ये कुल 100 नंबर का है। इस टेस्ट की मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके जो है सेकंड स्टेज पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही इन सभी 75 सुपरवाइजर ट्रेनी की वैकेंसियों पे कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे आपकी सैलरी के बारे में कि कैंडिडेट की आफ्टर सिलेक्शन सैलरी क्या रहेगी। तो सुपरवाइजर ट्रेनी की पोस्ट पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे उन सबको जो है वो 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे भेजा जाएगा और जो ये ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें आपका जो पे स्केल है वो 32,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में है। यानी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है कैंडिडेट को आफ्टर सिलेक्शन 1 साल के लिए इस पे स्केल के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी और जो कैंडिडेट सक्सेसफुली 1 साल की ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं उनको एज अ सुपरवाइजर अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी और सुपरवाइजर का जो पे स्केल है वो 33,500 से लेकर 1,20,000 रुपए के बीच में है। यानी कि कैंडिडेट की ट्रेनिंग के बाद जो बेसिक पे होगी वो 33,500 रुपए होगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें अलग अलग कैटेगरियों में, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखी गई है वो 795 रुपए रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 295 रुपए रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 27 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर 2023 तक ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।